एक समारोह में लालगंज के पूर्व जदयू विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वर्दीधारी जवान द्वारा हर्ष फायरिंग भी शामिल है। वायरल हो रहे इस वीडियो की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दो दिनों पहले जदयू के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भाई सह मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपमहापौर मानमर्दन शुक्ला के बेटे का उपनयन संस्कार उनके पैतृक गांव लालगंज के खंजाहाचक में हुआ, जिसमें भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इस कार्यक्रम में लोग इतने मशगूल हो गए कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू का भी ख्याल नहीं रहा और बिना मास्क के कलाकार से लेकर पूर्व विधायक और आम लोग तक झूमते नाचते नजर आए। हद तो तब हो गई जब एक वीडियो में हर्ष फायरिंग करते एक वर्दीधारी जवान भी नजर आया। हालांकि यह मामला अब वैशाली पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में शनिवार को मुख्यालय से पुलिस के वरीय अधिकारी लालगंज थाना पहुंचे। जांच के बाद लालगंज थाना अध्यक्ष सीवी शुक्ला के बयान पर पूर्व विधायक समेत कई लोगों को नामजद किया गया है। इस कांड में मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपमहापौर मानमर्दन शुक्ला, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला और फिल्म स्टार अक्षरा सिंह को नामजद किया गया है। साथ ही पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड पर हर्ष फायरिंग करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा करीब 200 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वरीय अधिकारी ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।